तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। माय नेम इज जिमी और आप देख रहे हैं सुपर हिप यूट्यूब चैनल। तो यार मार्वल ने एक नया खेला शुरू किया है वेरिएंट्स वाला। हाँ वही जो पहले हमें लोकी में दिखाया, उसके बाद स्पाइडरमैन नो वे होम में, और अब जो डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी चलेगा। तो आज हम इन्हीं की बात करेंगे कि हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कितने और किस किस के वेरिएंट देखने मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज से। हाँ मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज है तभी तो उनके वेरिएंट होंगे। तो इसी बात से आते हैं डिफेंडर स्ट्रेंज पर। यार ये तो कन्फर्म है क्योंकि ये मूवी में भी दिखने वाला है, क्योंकि ये ट्रेलर में भी दिखा है। यार इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये बुरा तो नहीं होगा, ये आगे चलकर हमारे डॉक्टर साहब की सहायता करेगा, ये हमारे डॉक्टर साहब की मदद करेगा, और शायद ये अच्छा है क्योंकि हमने इसे ट्रेलर में देखा है। तो बात है वो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज जिसकी हमें हंसी सुनाई दी गई थी और बाद में पूरा लुक भी दिखाया था। तो यार शायद ये वही वोटिव वाला रहने वाला है, क्योंकि इसका लुक काफी हद तक उसी वोटिव वाले डॉक्टर स्ट्रेंज से मैच होता है। ये डॉक्टर स्ट्रेंज इविल होने के बाद भी अच्छा ही होगा, क्योंकि जो हमें बुक इसके पास दिख रही है उससे हमें आगे डॉक्टर स्ट्रेंज जादू सीखता हुआ भी नजर आता है। शायद ये डॉक्टर स्ट्रेंज हमारे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को ब्लैक मैजिक सिखाना आया हो, ऐसा मुझे लगता है। और अगर ब्लैक मैजिक की बात है तो वोंडा भी सिखा सकती है। तो जी हाँ, तो जो अगला वेरिएंट आने वाला है वो वोंडा का ही है, जो मे बी इविल वोंडा होगी और वही इस फिल्म की विलन भी होगी। ये तो कंफर्म्ड है कि यही होगी इस फिल्म की विलन। ऐसा इसलिए कि हमने इसे टीजर में ब्लैक मैजिक यूज करते हुए देखा है और वोंग को भी एक ब्लैक मैजिक ने ही जकड़ रखा था। तो शायद ऐसा ही होगा कि ये विलन ही होगी। फिर हमें क्रिस्टिन का भी एक वेरिएंट दिखता है। मैंने ऐसा क्यों बोला कि हमें क्रिस्टिन का भी एक वेरिएंट देखने मिला, क्योंकि हमने जब क्रिस्टिन को शादी के कपड़ों में देखा था तो उसके बालों का कलर कुछ अलग था, और जब हमने उसे उस गेट के पीछे और डॉक्टर के पीछे देखा तो मुझे उसके बालों का कलर कुछ अलग लगा। तो इसे देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद ये क्रिस्टिन का वेरिएंट ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमें मार्वल के दो महाबली वेरिएंट भी देखने मिलेंगे, कैप्टन और टोनी। तो टोनी का वेरिएंट भी देखने मिल सकता है। ऐसा बहुत लोग बोल रहे हैं कि हमें टोनी का वेरिएंट देखने मिलेगा, और वो होगा टॉम क्रूज वाला आयरन मैन, जैसा कि सबको लगता है। और अब आते हैं कैप के वेरिएंट पर। तो कैप्टन अमेरिका का वेरिएंट होने वाला है कैप्टन कार्टर। जी हाँ, वही वोटिव वाली हमारी कैप्टन कार्टर, वो भी हमें इसमें दिख सकती है। और फिर हमें एक वेरिएंट और देखने मिल सकता है जिसका आप सबको बहुत बेसब्री से इंतजार है, स्पाइडरमैन यानी कि टोनी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन का वेरिएंट। पर जैसा कि मैंने इस वाली वीडियो में बताया है, टोनी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन हमें अभी ही देखने मिला, क्योंकि उसे सोनी ने अभी ही बताया था। तो लेट्स सी, देखते हैं अब क्या होता है। और फिर हमें एक वेरिएंट तो ट्रेलर में ही दिख गया, मोर्डो का। जी हाँ, वो मोर्डो अलग यूनिवर्स से होगा, वो वही मोर्डो नहीं होगा जो हमने डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली मूवी में देखा था। और थोर की मूवी से भी कोई आ रहा है, शायद जेन का वेरिएंट हमें देखने मिलेगा। और इतने सारे वेरिएंट्स देखने के लिए मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तो यार आप भी बहुत एक्साइटेड हो, बता दो ये सब्सक्राइब करके। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।